नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आज आपको साइंस का दूसरा जो पार्ट है जो सेक्शन बी में आएगा, आपको पता होगा 27 क्वेश्चन है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क के, ठीक है। अब इसमें से जो लास्ट के 6 क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिकल पर बेस हैं। अब की बारी ध्यान रखना है, चेंज है सब कुछ, पहले की तरह नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 6 क्वेश्चन होंगे ये प्रैक्टिकल पर बेस होंगे और ऑल 6 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स होंगे। डिफरेंट नेचर के होंगे, थ्योरी से थोड़े से अलग होंगे। बिल्कुल भी ये गलती आपको नहीं करनी कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमारे प्रैक्टिकल के ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। एक इन क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप बहुत ध्यान से इन्हें थोड़ा सा पढ़ जाएंगे और वहां पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, तो आपके ये जो 12 मार्क्स हैं वो मैक्सिमम आपको मेरा ख्याल है 12 मिनट ही लेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में जरूर पढ़ें। एक फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। उसके बाद भी, एग्जाम के बाद भी मैं और आपके साथ में बना रहूंगा, एग्जाम के बहुत सारे अपडेट या इस तरीके के रिलेटेड अपडेट जो है मैं आपको देता रहूंगा। तो ये जो 6 क्वेश्चन हैं इन पर जरूर फोकस करें। 6 क्वेश्चन की जो नेचर होगी वो बहुत साफ है, 2 क्वेश्चन आपके फिजिक्स प्रैक्टिकल से होंगे, 2 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से होंगे और 2 क्वेश्चन आपको बायो प्रैक्टिकल से होंगे। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप परसों एग्जाम से आए बहुत खुश आए, जैसे रिएक्शन से मुझे पता लग रहा है, जैसे कॉमेंट से मुझे पता लग रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप कल आपने रेस्ट किया होगा, आज फिर दोबारा शुरू हुए होंगे और आपको थोड़ी थोड़ी उलझन आपके माइंड में आने लगी होगी, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के पेपर अब आने वाले हैं। डरिए मत बिल्कुल भी, पेपर आसान ही होना चाहिए, होगा, और तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रॉपरली अगर तैयारी करेंगे, एक तरीके से अगर तैयारी करेंगे, देखिए अगर आप अननोन है, आएगा आएगा देखा जाएगा, तो ऐसे साइंस का पेपर नहीं होगा, ठीक है ना। आपको उस तरीके से जाना होगा कि कहां से क्या क्वेश्चन आएगा, तो ये इसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो 6 क्वेश्चन हैं, 2 फिजिक्स प्रैक्टिकल से, 2 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से और 2 बायो प्रैक्टिकल से। बहुत ज्यादा डिमांड इसकी आ रही है, बहुत ज्यादा कमेंट इसके आ रहे हैं, तो मैंने आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए ये बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो प्रैक्टिकल है आपके, वो 3 ग्रुप में बट गए हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मैंने 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं डेमो के लिए, और आप थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी से के जो एक्टिविटीज है वहां से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो उन क्वेश्चन को आप पढ़ें। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, वोल्टमीटर और एमीटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। और वोल्टमीटर और एमीटर में भी जो क्वेश्चन होगा वो टेक्निकल क्वेश्चन होगा, वो करने का बहुत कम होगा, समझने का ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि ये हमारे पास में एक वोल्टमीटर है और ये हमारे पास में एक एमीटर है, मिलीएमीटर है, राइट, मिलीएमीटर और एमीटर का ध्यान रखना है। तो आपको बताना है कि इसका दोनों का लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है ना। इसमें आप फटाफट से अगर क्वेश्चन करने लगे फॉर्मूला लगा के, तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे। एक चीज और भी ध्यान रखना, जितने आसान है ये, जितना मैं कह रहा हूं 15 मिनट में फिनिश हो जाएंगे, इतने ही ये मुश्किल भी है, क्योंकि 15 मिनट में आपके 0 मार्क्स भी आ सकते हैं इनमें, क्योंकि इनको बहुत सोच समझ के करेक्ट आंसर देना होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल मीन्स करेक्टनेस, एक्यूरेसी, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो यहां पर जो है लीस्ट काउंट आपको बताना है वोल्टमीटर का, और लीस्ट काउंट बताना है आपको एमीटर का। बहुत सिंपल प्रोसेस है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि जो आपका रेंज है नंबर का, ठीक है, उसको अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दें तो लीस्ट काउंट आ जाता है। आप यहां पर देखिए मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 2 और 3 के बीच में 5 कॉलम है, राइट। 2 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1, कॉलम कितने टोटल 5, तो लीस्ट काउंट कितना हो गया 1/5। अब मिलीएमीटर का देख लीजिए, यहां पर भी 2 और 3 का क्या है, 1 ही है डिफरेंस, और लीस्ट जो कॉलम है वो कितने है 5। मान लो मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूं कि भाई यहां पर जो है 200 है और यहां पर है 300 और इसके बीच में कितने कॉलम है, सपोज करिए 10 का मतलब 9 कट होंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट, डिफरेंस क्या हो गया 100 का और कितने डिवीजन है 10, तो अब इसका जो लीस्ट काउंट है वो 10 हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आना चाहिए,
ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन और है जो आपका रिलेटेड आएगा, वो जो हम सर्किट में एमीटर वोल्टमीटर, पहली बात तो बहुत रिलैक्स होकर ही इन क्वेश्चंस को करना, ठीक है ना। वोल्टमीटर एमीटर को कनेक्ट जैसे करते हैं, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। तो कई बार वोल्टमीटर को हम गलत कनेक्ट कर देते हैं, प्लस से माइनस या कुछ इस तरीके से गलत कर देते हैं, तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन का डेमो मैंने दिया है, जैसे ये सर्किट डायग्राम है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि किस तरीके की जो कनेक्शन है वो गलत है। तो यहाँ पर जो वोल्टमीटर का कनेक्शन है वो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टमीटर आपको पता होगा आपके 10th क्लास के सिलेबस में बाकी सभी चीजें सीरीज में जुड़ी हुई है, केवल एक वोल्टमीटर है जो हमने पैरेलल जोड़ना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो इससे रिलेटेड आएगा या तो इससे रिलेटेड आएगा। जहां तक मेरी नॉलेज में, जहां तक मैं सोच रहा हूं, इस तरीके का क्वेश्चन आना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा रेडियोग्राम से रिलेटेड, इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो आपको थ्योरी में भी हेल्प करेगा, वो आपको दोनों चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा और यहाँ पर भी हेल्प करेगा। तो डबल फायदा है इसका। अगर आप ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि आपको लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएंगे। वैसे तो ये हमारी अपनी प्रॉब्लम है, हमारे स्कूल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर प्रैक्टिकल कराए होंगे तो बच्चा इन चीजों को बहुत आसानी से समझेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किए तो आपको थोड़ा सा समझना यहाँ पर ज्यादा पड़ेगा। रे डायग्राम से रिलेटेड मैंने आपको 16 रे डायग्राम बनाने के लिए कई बार फोर्स किया है। जब भी मैं फिजिक्स की बात लाता हूँ, जब भी मैं ऑप्टिक्स की बात लाता हूँ, जब भी मैं लाइट की बात लाता हूँ, तो मैं इन चीजों को आपको दोहराता हूँ। वो जो 16 रे डायग्राम है, अगर आप उनकी नेचर को आपको याद हो, आप समझ गए हो, आपने रे डायग्राम बनाए हो, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो खास तौर पे उस पर बेस है। आपको याद होगा कि जब भी हम कॉनकेव मिरर लेते हैं या कन्वेक्स लेंस लेते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट सी या 2F पर होता है तो इमेज सेम साइज की बनती है, वो भी सी पर होता है तो इमेज भी सी पर बनती है। जितना सी से बियॉन्ड होगा उतना ही इमेज छोटी बनती है, जितना लेंस की तरफ या मिरर की तरफ चलते चले जाएंगे उतनी इमेज बड़ी होती चली जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ होगा, वो आपके फायदे के लिए लिखा हुआ होता है, उसे देख के डर मत जाना, वो एक स्टोरी होती है, आपको कंप्लीटली कंसेप्ट को समझाना चाहते हैं सीबीएसई वाले, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यार इतना लंबा चौड़ा कौन पढ़ेगा, छोड़ो, उसे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से ही आएगा कि इमेज की डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज करिए कन्वेक्स मिरर है, इसकी ये फोकल लेंथ है और ये इसका 2F है, 2F बोलते हैं हम लेंस के केस में। ऑब्जेक्ट अगर हमारा F और 2F के बीच में बना है, आप रे डायग्राम आपको बताइए तो आपको पता है इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बियॉन्ड 2F बन जाएगी। अब आप याद करिए, 2F पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज सेम साइज का बनता है, और ये भी 2F पर होता है ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, जितना ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ चलता रहेगा उतना इमेज जो है वो 2F से दूर जाता चला जाएगा। जितने हम ऑब्जेक्ट को 2F के पास लाते चले जाएंगे उतना इमेज हमारा पास में आता चला जाएगा। तो इस तरीके का आप बहुत ध्यान से करके, भाई आपको बिल्कुल पक्का पता लग गया कि 2F पर इमेज 2F पर ही बन जाता है, रियल इन्वर्टेड बन जाता है। अगर हम फोकल लेंथ की तरफ चलेंगे वो एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, उसकी इमेज जो है 2F से ज्यादा दूर तक चली जाएगी। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको इस तरीके से बताया कि इमेज का साइज और इमेज की लेंस से या ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से, अगर आपका मिरर का केस है तो डिस्टेंस कैसे फ्लक्चुएट होगी, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा। एक आपको इसकी जगह पर, बाय द वे वैसे मुझे इसके चांस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, आपको भी लग रहे होंगे, ठीक है ना। अब आप स्मार्ट तो हो ही गए और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए जो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं वो ऐसे कमेंट ना करें कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ी चिंता लग रही है। अरे डर किस बात का है, जब हम और आप साथ साथ काम कर रहे हैं, वीडियो आपकी हेल्प कर रही है, डायरेक्शन दे रही है, एनसीईआरटी की बुक आपके पास है, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे जाना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीज आपने सीख लिया होगा। बल्कि मुझे लगा, मैं आपको सच्चाई में बताऊं तो आपको लगा होगा कि वहां पर ज्यादा फैसिलिटी आपको मिल रही होंगी कंपेरेटिवली होम एग्जाम के, ठीक है ना। तो फिर खुश रहिए और पढ़ाई करिए।
इसके बारे में, इसके साथ साथ इसके टाइम कभी कभी इससे हटके आ जाता है क्वेश्चन, तो प्रिज्म या ग्लास स्लैब से भी आ सकता है। प्रिज्म और ग्लास स्लैब का मैं वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है ना, उसमें इंसिडेंट एंगल आई एंगल ई के इक्वल होता है ग्लास स्लैब में, और एंगल आई और ई का सम ए और डी के इक्वल होता है वो प्रिज्म में होता है, और उनके नेम। अब उसके बाद में हमारा नंबर आ जाता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में एक क्वेश्चन टेम्परेरी माउंट से जरूर आएगा, आपने प्रैक्टिकल भी किए होंगे, ये जो ओनियन है उसका पील से या किसी और से भी, ठीक है, किया होगा, लीव से किया होगा, लीव के पील से किया होगा, तो वहां से आपने देखा होगा दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, एक होता है सेफ्रानिन और एक होता है ग्लिसरीन। तो सबसे पहले तो इनका आप यूज ही समझ लो। सेफ्रानिन जो हम यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो विजन जो आएगा, ठीक है ना, कई बार ग्लिसरीन भी इसकी तरह यूज कर लेते हैं, ग्लिसरीन के साथ साथ सेफ्रानिन की जगह कई बार कुछ और भी केमिकल यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका केवल और केवल रीजन क्या होता है कि जब हम माइक्रोस्कोप से उसे देखेंगे स्लाइड पर, तो वो जो विजन है उसका बहुत क्लियर आएगा, साफ साफ आएगा, आपको डिफरेंस पता लगेगा। उसके साथ साथ में जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का मतलब होता है कि जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, स्टोमेटा को वो रोक देता है। वैक्स का भी यूज कर लेते हैं कभी कभी हम प्रैक्टिकल लैब में, ठीक है, अगर वो रोक देगा तो वाटर जो है ट्रांसपिरेट नहीं होगा तो फिर हम आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इनके यूजेस आपके आ सकते हैं। एक और ध्यान रखना है कि डायग्राम आपका एक तो आएगा थ्योरी में, एक डायग्राम आपका यहां भी आ सकता है, बनाने को भी आ सकता है, बनाने को शायद नहीं आएगा, लेवलिंग करने के लिए आ सकता है। जैसे मैंने ये बनाया आपका रेडिकल प्लूमूल और सीड कोट का या कोटिलेडन का, ठीक है, यहां पर आपको पूछा जा सकता है कि इनमें गलत क्या है, किस लेवल को हमने गलत किया, या आपको सिंपली ये बोल दिया जाएगा कि इनको लेवल कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने सीड कोट को गलत रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि सीड कोट जो होता है वो आउटर सरफेस को इंडिकेट रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में आपका बायो में ही एक तीसरा है जिसे स्पेशली बाइनरी फिजन और बडिंग से आपका बडिंग और जो बाइनरी फिजन है उसके डायग्राम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो इन प्रैक्टिकल्स की एक्टिविटीज जो आपकी बुक में भी दी हुई है या प्रैक्टिकल की कॉपी आपने या कुछ भी लिया हुआ हो, ठीक है ना, तो वहां से आप ये दो चार छह क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट और सिंपल होते हैं, जैसे कई बार कभी कभी बहुत सिंपल करते हैं वो यही पूछने के, भाई रे डायग्राम बना रहे हो बताइए आपको किस किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, मेटेरियल रिक्वायर्ड, या इससे भी आसान क्वेश्चन कर सकते हैं, उसे देख के आप छोड़ मत आना कि प्रिक्योशंस बताइए, तो प्रिक्योशन आप सोच के कुछ भी लिख दो उसमें, जो भी प्रिक्योशंस हो। उसके बाद में जो थर्ड पार्ट है, जो दो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे केमिस्ट्री से। ये सभी की सभी चीजें आपको लग रहा होगा कि आपकी पढ़ाई में अपने आप हेल्प कर जाएंगी, मैं तो कह रहा हूं आपको 12 नंबर इधर लीजिए और कम से कम 12 नंबर आपके उधर तैयार हो जाएंगे। तो इन्हें इसलिए नहीं छोड़िए क्योंकि डबल ट्रिपल फायदा, एक टाइम बहुत कम लगेगा। ये जो कलर है वो खास तौर पर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड या उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसमें खासतौर पर कलर कॉम्बिनेशन वगैरह पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कलर क्या है, किस टाइप की रिएक्शन है, पीएच वैल्यू से भी पूछा जा सकता है, पीएच की कलर भी पता होगा आपको, 0 से लेकर 7 से कम तक जो कलर होता है वो रेड की तरफ चलता चला जाता है और उसके आगे जो है बेसिस का कलर ब्लू की तरफ चलता चला जाता है। और जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि ये एल्यूमिनियम में हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया, जब हम एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में एल्यूमिनियम डालते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग निकल जाता है। अब इसमें यह पूछा जा सकता है कि जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये पीस डाला तो इसका कलर क्या हो गया, तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू होता है आपको पता होगा, और जो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा वो कलरलेस हो जाएगा। तो ऐसे कुछ 5-6 कलर हैं केमिकल्स के, उन्हें आप याद करके चलेंगे, लिख के चलेंगे, बोल के चलेंगे, कई बार लिखेंगे समझेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद में जैसे एल्यूमिनियम को हमने आयरन सल्फेट में डाल दिया, आपको पता है आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और ये ब्राउन हो जाता है। उसके बाद में जैसे ये आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेस रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है कि अगर हम सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो क्या बनता है, प्रेसिपिटेट क्या बनता है, उनके कलर क्या क्या चेंज होते हैं। तो आपको पता होगा कि Na2SO4 का जो कलर है वो कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। BaCl2 जो है वो व्हाइट कलर का होता है और ये जो BaSO4 बनाया जो प्रेसिपिटेट है वो भी व्हाइट कलर का होता है।
तो इस तरीके से कलर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, कुछ क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। अगर आपको और प्रॉब्लम आएगी तो मैं और नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, या मैं तैयार करके रखूंगा 20-30 क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डबल ट्रिपल फायदा इसमें होने वाला है, तो जरूर करिए। इसलिए मैंने इसका टाइटल रखा है कि ये अवश्य करें, केवल 10 मिनट में 12 नंबर यहाँ पर और कम से कम 12 नंबर आपकी थ्योरी में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तैयार करें। केमिस्ट्री की वीडियोज में अभी जल्दी जल्दी 2-3 वीडियो डालने वाला हूँ आपकी